मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा कनाडा के गुरुद्वारे में कत्ल। पुलिस का कहना है कि शूटिंग के मुमकिन मुहरिकात का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात जारी है। जंगल की आग के सबब उठने वाला धुआं टोरंटो शहर में एक बार फिर फैलने लगा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से एयर क्वालिटी स्टेटमेंट जारी, शहरियों को एहतियात का मशवरा। कनाडा में माहरीन का हुकूमत को अखराजात कम करने का मशवरा। माहरीन का कहना है कि हुकूमती अखराजात महंगाई में इजाफे का सबब बन सकते हैं। हुकूमती अखराजात मईशत में तलब और रसद दोनों को मुतासिर कर सकते हैं। भारत में हीट वेव ने बदतरीन तबाही मचा दी। भारत में शदीद गर्मी और हब से हलाकतें 100 से तजावुज कर गईं। भारत में रवाना गर्म तरीन होने का इम्कान। अमरीकी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे तवील मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हुकाम को अमरीकी खदशात से आगाह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि चीनी वजीर खारजा से वाजे ठोस और मयारी बातचीत हुई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada mein Khalistan ke hami Sikh rehnuma Hardeep Singh ko firing karke qatl kar diya gaya. Mazeed tafseelat is report mein. कनाडा में खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिखों के आज़ाद वतन के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे में फायरिंग करके कत्ल किया गया। 100 से ज़ायद लोगों के साथ पुलिस की भारी नफरी मंदिर के करीब जमा थी। पुलिस ने दोनों दाखिली रास्तों को बंद कर दिया था। पुलिस ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। सिरे RCMP ने बयान में कहा, तहकीकात के इस इब्तदाई मरहले में शूटिंग के मुमकिन मुहरिकात का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस अब भी इलाके में मौजूद मुतादिद गवाहों से मुमकिन मुश्तबा तफसीलात का तायुन करने के लिए काम कर रही है। हरदीप सिंह सिरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सदर और सिखों की अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरगर्म कारकुन थे और खालिस्तान के क्याम के लिए रेफरेंडम में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था। भारतीय हुकूमत ने कैनेडियन हुकाम से हरदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया था। क्यूबेक और शुमाल मशरकी ओंटेरियो में जंगल की आग से उठने वाले धुएं ने ग्रेटर टोरंटो एरिया में हवा का मयार एक बार फिर खराब कर दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्यूबेक और शुमाल मशरकी ओंटेरियो में जंगल की आग से उठने वाले धुएं ने ग्रेटर टोरंटो एरिया में हवा का मयार एक बार फिर खराब कर दिया है। ग्रेटर टोरंटो एरिया में जंगल की आग के धुएं से हालिया वक्फे के बाद इतवार को एनवायरनमेंट कनाडा की तरफ से जारी करदा हवा के मयार का खसूसी बयान बढ़ती हुई आलूदगी से खबरदार कर रहा है। इतवार की सुपहर माहरीन मौसमियात की तरफ से जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि क्यूबेक और शुमाल मशरकी ओंटेरियो में जारी जंगलात की आग की वजह से धुएं के बादल टोरंटो, हैमिल्टन और पील, हॉल्टन और नियाग्रा के इलाकों में हवा के मयार को ख़राब कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि जंगल की आग के धुएं की वजह से फिजाई आलूदगी की बुलंद सतह पर तरक्की हुई है। जंगल की आग के धुएं की वजह से हवा का मयार और मरियत मख्तसर फासले पर उतार चढ़ाव आ सकता है
और घंटा घंटा काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो सकती है। जबकि बयान में कहा गया कि इतवार के आखिर और पीर के अवाइल में हालात में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। हुकाम ने फेफड़ों या दिल की बीमारी में मुब्तला लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, बैरूनी कारकुनों और हामला खवातीन को मुतासिर होने के ज्यादा खतरे में खबरदार किया है। बयान में कहा गया है कि जंगल की आग का धुआं कम इर्तिकास में भी हर किसी की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या आपकी निगहदाश्त में कोई शख्स बीमार महसूस हो तो अपनी सरगर्मी की सतह को रोकें या कम करें। अगर आपको शदीद अलामात पैदा हो या आपके मशवरे की ज़रूरत हो तो अपनी सेहत की देखभाल फराहम करने वाले या मकामी हेल्थ अथॉरिटी से राबता करें। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि धुएं के आर्जी लेकिन नुकसानदेह असरात को शिकस्त देने के लिए लोग हाइड्रेट रह सकते हैं, बैरूनी सरगर्मियों से वक्फा ले सकते हैं, घर के अंदर रह सकते हैं और N95 जैसा अच्छी तरह से नज़्म सांस लेने वाला मास्क पहन सकते हैं। कनाडा में ज़्यादातर मालियाती माहरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमती अखराजात अफरात ज़र को बढ़ा सकते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में ज़्यादातर मालियाती माहरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमती अखराजात अफरात ज़र को बढ़ा सकते हैं। मौशी तहकीक बताती है कि दोनों के दरमियान ताल्लुक ज़्यादा पेचीदा है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर की वफाकी हुकूमत के बजट बिल को इस माह के शुरू में पास होने से रोकने की कोशिश आला महंगाई के दरमियान हुकूमती अखराजात की जांच पड़ताल की ताज़ा तरीन मिसाल है। कायदे हिजब इख्तलाफ ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने बजट में तवाजन पैदा करने के लिए कोई मंसूबा पेश करें वरना उनका कॉकस बिल को फिलिप्स्टर कर देगा। उन्होंने दलील दी कि खसारे को चलाकर हुकूमत अफरात ज़र को बढ़ा रही है और बैंक ऑफ कनाडा को सूद की शरह बुलंद रखने पर मजबूर कर रही है। बिल आखिर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए और बजट बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया। इक्तिसादी माहरीन का कहना है कि हुकूमती अखराजात मईशत में तलब और रसद दोनों को मुतासिर कर सकते हैं जिससे अफरात ज़र पर इसके मजमू असरात से निमटना मुश्किल हो जाता है। मुहक्किकीन का मशवरा है कि हुकूमती अखराजात में इजाफा रोजगार की सतह को बढ़ाकर अफरात ज़र को कम कर सकता है, इसलिए मईशत में सप्लाई में इजाफा होता है। माहरीन का कहना है कि वफाकी बजट जिसने सब्ज मईशत को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज की है, दर हकीकत मईशत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर अफरात ज़र को कम करने में मदद कर सकता है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में रवां मौसम गर्मा के बदतरीन हीट वेव में हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में रवां मौसम गर्मा के बदतरीन हीट वेव में हलाक होने वालों की तादाद 96 हो गई और 400 से ज्यादा जेरे इलाज है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 54 का ताल्लुक यूपी और 42 का ताल्लुक रियासत बहार से है। हलाकतों में इजाफे की वजह बिजली का तातुल, तिबी सहूलियात की अदम फरहमी और हुकूमत की बद इंतजामी भी है। भारत में रवां माह गर्म तरीन होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में हीट वेव से आवाम की हालत गैर हो गई। इस पर तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बाहर शदीद गर्मी और धूप की तमाजत और घर में बिजली नहीं, हलाक होने वाले अफराद की उम्र 60 या इससे जायद बताई जा रही है। बिहार के 15 अजला में शदीद गर्मी है। बिजली की आंख मचोली पर शहरियों ने शदीद एहतजाज भी किया लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगी। डॉक्टर्स ने मोमर अफराद को धूप में निकलने से मना किया है। हलाकतों के बायस शमशान घाट में जगह कम पड़ गई और अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर बाकी न बचे। याद रहे कि अप्रैल में भी शदीद गर्मी से सिर्फ मुंबई शहर में 13 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने दो रोज़ा दौरे चीन में अपने चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे की तवील मुलाकात की है। मुलाकात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने दो रोज़ा दौरे चीन में अपने चीनी हम मनसब से 5.5 घंटे की तवील मुलाकात की है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात का इम्कान है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि ब्लिंकन की चीनी वजीर खारजा से वाज़ ठोस और मयारी बातचीत हुई है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन से चीनी वजीर खारजा चेन गोंग से बीजिंग के सरकारी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। दोनों वज़राए खारजा की वफूद सतह पर मुलाकात 5.5 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद एंटोनी ब्लिंकन एशिया में शिरकत के लिए चले गए। चीनी वजारत खारजा ने मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि दोनों वज़राए खारजा के दरमियान तवील बातचीत हुई है और उन्होंने बातचीत को वाज़ह, गहरी और तामीरी करार दिया है। एंटोनी ब्लिंकन चीन की खारजा पॉलिसी के आला अहदेदार वांग ई से भी मिलेंगे। वो चीनी हुकाम से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी
और तजारती तनाजात पर बात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने मवासलात के चैनल्स खुले रखने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका बैन अलाक्वामी मसाइल पर तआवुन के मौके पर भी गुफ्तगु की। अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने राब्तों के तसलसल के लिए चीनी वजीर खारजा को वाशिंगटन आने की दावत भी दी, जिसको चीनी वजीर खारजा ने कबूल कर लिया और मुनासिब वक्त पर अमरीका आने की हामी भरी है। वाज़े रहे कि साल 2018 के बाद किसी भी अमरीकी वजीर खारजा का चीन का ये पहला दौरा है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।